खबर के साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कल रात को आरा बक्सर मार्ग पर हुए एक हादसे में बाल बाल बच गए हैं। जानकारी के अनुसार ब्रह्मपुर फॉरलैंड पर उनके एस्कॉर्ट में चल रही गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई और इस पूरे हादसे में कई नेता घायल हो गए। पप्पू यादव के एस्कॉर्ट में चल रहे जवानों को भी चोटें आई हैं। एस्कॉर्ट की गाड़ी पलट कर सड़क किनारे चली गई है और साथ ही बताया जा रहा है कि सारण के मुबारकपुर कांड के पीड़ितों से मिलने के बाद जब पप्पू यादव पटना लौट रहे थे तब ये पूरा हादसा हुआ। हादसे की वजह एक ट्रक का पप्पू यादव के काफिले को ओवरटेक करना बताया जा रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी इस हादसे को लेकर? देखिए, बता दें कि आधी रात की घटना है जब पप्पू यादव छपरा से लौटकर बक्सर अपने पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे की शादी में शरीक होने आ रहे थे। उसी दौरान जैसे ही भोजपुर जिले सीमा पार किए उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और जाकर आपस में ही सब गाड़ियां टकराई। बताया जा रहा है कि एक ट्रक जो था ओवरटेक करने के दौरान उनकी जो एस्कॉर्ट चल रही थी गाड़ी वो बचाने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई। उसके पीछे पप्पू यादव की गाड़ी थी, उसके पीछे और कार्यकर्ताओं की गाड़ी थी जो आपस में टकराने लगी जिसमें लगभग 11 लोग पूरी तरह से जख्मी हो गए हैं। अजय, क्या जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को भी कुछ चोटें आई हैं? जी देखिए, पप्पू यादव इसमें बाल बाल बच गए हैं। उनके कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष जो है वो लोग चोटिल हुए हैं। बक्सर और भोजपुर के जो जिला अध्यक्ष है उनकी बाहें टूट गई है और कुल मिलाकर लगभग 11 लोग जिसमें जख्मी हुए हैं। चारों घटना के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। पीछे से आ रही गाड़ियों ने नियंत्रित कर रोक कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला और पास के भोजपुर जिले के शाहपुर इलाके में एक अस्पताल में सभी को इलाज के लिए भर्ती किया। अच्छा, घायलों की स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है? फिलहाल स्थिति ठीक है घायलों की? चूंकि कई कार्यकर्ता, कई जो नेता हैं इसमें घायल हुए। जी बिल्कुल, अभी सभी जितने लोग दुर्घटना में घायल हैं वो लोग सुरक्षित हैं। दो बक्सर और भोजपुर के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको थोड़ा गंभीर चोटें आई हैं, उनको इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उन दोनों के बांह में चोटें लगने से बांह टूट गई है। प्रीति, शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इससे पहले छपरा के मुबारकपुर गांव पहुंचे जन अधिकार